अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुर्तियां शेयर करूंगी, जो अच्छी अच्छी स्टाइलिश की कुर्तियां हैं। सो पहले हम देखेंगे, ये अनरखा कुर्ती है और काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका स्टाइल दिया गया है, तो आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो आप कोई सा भी कपड़ा लें और स्टाइल ये वाला डाल लें, और जिस तरीके से इन्होंने बनाया गया है स्टाइल, तो आप भी उस तरह से बना सकते हैं, घर में बहुत आराम से बन जाएगा। और टेलर से बनवाएंगे तो काफ़ी पैसे ले लेंगे, अगर टेलर से भी बनवाएंगे तो इस स्टाइल की काफ़ी अच्छा है और आजकल इन हुआ हुआ है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ये सारी कुर्तियाँ हैं और ये बहुत सिंपल हैं, ये घर में हम स्टिच कर सकते हैं, आराम से स्टिच हो जाएंगे, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी इसमें, और सिर्फ स्लिप्स का स्टाइल दिया गया है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुर्ती की, तो इसमें एक फ्रॉक है, इसमें तीन फ्रॉक्स हैं, थोड़ी सी ऊंची कुर्तियां हैं और कुर्ती भी कह सकते हैं इसको, फ्रॉक भी कह सकते हैं, और ये भी काफ़ी इनोवेटिव है और ये भी बहुत इजी आराम से घर में स्टिच हो सकती हैं। देन थर्ड वाली जो मैं बात करूँगी इसकी, ये मैंने खुद स्टिच की थी और काफ़ी अच्छा ये बनती है, अगर आप चाहें तो उसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जितनी है उतनी भी कर सकते हैं और बच्चियों की भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, आप कोई सा भी लिनन का कपड़ा ले लें या कोई प्रिंटेड कपड़ा ले लें और उस पर ये स्टाइल बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा लिया है, आप सस्ते में भी अच्छा स्टाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट हम कुर्ती देखेंगे जो हमें हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, एयरलाइन कमीज है और इनलाइन कमीज काफ़ी अच्छी लग रही है, बड़े भी बना सकते हैं, बच्चियां भी बना सकती हैं, और जो थोड़ी एज होती हैं लेडीज़ वो भी बना सकती हैं, उन पर भी ये अच्छी लगेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पर्पल कलर की कुर्ती है और काफ़ी अच्छा इसका स्टाइल दिया हुआ है, वाइट कलर के पजामे के साथ इन्होंने पहनी हुई है, और नेक पर जो है इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है, चाहे तो बेल भी लगा सकते हैं वरना तो कपड़ा लगा लें। देन फिर आ जाती है हमारी फ्रॉक वाली कुर्ती, और जो इसका स्टाइल जो है काफ़ी अच्छा है, प्रिंटेड कपड़े पे बनाई गई है, चाहे तो सादे कपड़े पे भी बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी लगेगी पहनते हैं तो। फिर यहाँ जाएगी सिंपल सी कमीज़, इसके अंदर ये है कि ये रेडीमेड होती है, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो उसको भी घर में भी बना सकते हैं, आजकल नेक लाइन मिल रही हैं और ऑनलाइन भी मिल रही हैं, आम बाज़ार में भी मिल रही हैं, तो हम यहाँ पे गले का स्टाइल ले सकते हैं, और स्लिप्स के लिए भी इन्होंने अच्छा सा स्टाइल दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये वाली जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी, वैसे मैं इस तरह के कपड़े पहनती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ, अपने कपड़े तो मैं दिखा नहीं सकती, तो सोचा कि वीडियो पे पिक्स चला के और मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी आ रही है पिंक वाइट एंड ब्लू का इन्होंने कंट्रास्ट दिया है, काफ़ी अच्छी है, इसकी जो दामन पे कट वर्क इन्होंने दिया हुआ है ये काफ़ी बेहतरीन है, ये तो बेल लगा के हमें कट वर्क मिल जाएगा, ये तो इन्होंने रेडीमेड ली होंगी तो इस वजह से इनको अच्छा सा स्टाइल दिया है, अगर हम इसको घर में बनाएं तो कट वर्क वाली बेल लगा सकते हैं तब ये स्टाइल हमारा बन जाएगा, और नेक पर जो इन्होंने स्टाइल दिया है डोरी का वो काफ़ी अच्छा है और इनका कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा लगा है। देन ये सिंपल सी है और ये हम प्रिंटेड ड्रेस पे बना सकते हैं, इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है, आराम से बन जाएगी, और काफ़ी ये वाली भी काफ़ी अच्छी है, इन्होंने ओपन शीट के ऊपर इन्होंने छोटे छोटे बटन्स लगा लिए हैं और ऊपर जो है इन्होंने गला लगा लिया है, इसका भी काफ़ी अच्छा लगेगा बनाएंगे तो। इसके बाद ये आ गई हमारी मैरून कलर की, कह रहे हैं या रेड कलर की, रेड तो कलर नहीं है खैर, तो ये भी अच्छी है, इसके शोल्डर पे इन्होंने जो बॉल्स लगाई हुई है उसका जो स्टाइल है वो अच्छा लग रहा है काफ़ी। नेक्स्ट येलो वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, ये मैं ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे। इसके बाद आ गई प्रिंटेड सी है, एयरलाइन शेड करें इसको, सो ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाएगी आराम से, आपको इसलिए आप घर में बना सकते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर यहाँ पर ब्लैक कलर की जो ये रेडीमेड मिल रही है, अगर हम अपना दिमाग लगाएं तो इसको भी हम घर में स्टिच कर सकते हैं, सो ये मुझे कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, इसकी स्लिप्स थोड़ी अच्छी लग रही हैं, इसमें बॉल्स लगी हुई हैं, बट येलो वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और ये भी एक सिंपल सी है, इन्होंने जो दामन के ऊपर लगाया है आजकल बंच मिल रहे हैं, अगर हम अपना माइंड लगाएँ तो उसके अंदर लगा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारे स्टाइल अच्छे लगे होंगे, मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।